दोनों पैरों के अंगूठों पे लगा दे, बैक साइड कर दो, पंडित जी बैक पीछे रख दूं? हाँ बिल्कुल कर दो, पंडित तरफ रखो। ओम विराजो दो वशी, विराजो दो वशी, विराजो दो वशा, रख दो दोनों में। ओम यम ब्रह्म वेदांति वेदो वदन्ति ब्रह्म प्रधानम प्रसोधान्ये विश्वोदये कार्मी सुरम्बा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम अर्घम अर्घा अर्घा प्रति गृह्यतामिति दाता वदेत विधाय पर। अब इसको थोड़ा उघार के उल्टे हाथ पर रखो, ये और उघार के इसको नीचे दोना नीचे रख दो, और इसमें से चावल होंगे थोड़े से वो लेके अपने मुकुट पर छोड़ लो। यहाँ ये क्या है? ये आप जो दे रहे हैं वो मेरे से रख दो। पुण्य पवित्र क्षेत्र इंद्रप्रस्थ नगर निवास स्थान दुर्गापुरी तदुपरांत गाजियाबाद। हाँ जी बोलो। रेड रोज, व्हाइट रोज, व्हाइट रोज समझे 2019 महामंगल प्रथमा से फल्गुण मास से सुबह शुक्ल पक्षे में सत्यम याम अमुक वादरे रवि वासनदाम अमुक नामस्य श्रीमान प्रवेश कुमार जी नामस्य नितय नामनी पत्नी अमुक लता देवी जी नाम ने अमुक भारद्वाज गोत्र उत्पन्न कन्या नाम कुमारी साक्षी
विवाह संगता फल प्राचीन कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम अत्यामुख समुखस्य गोत्रस्य भारद्वाज गोत्रप्रिय धर्मामूर्ति धर्मावतार श्रीमान पंडित रोशनलाल शर्मा जी नामस्ते परपौत्रियम 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 श्रीमान देवकी नंदन शर्मा जी नामने पौत्रियम 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 श्री दिवाकर शर्मा जी नामस्ते पुत्रियम 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 कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। हाँ जी अपना एक हाथ करो पूरे दो रेज गाड़ी उल्टे हाथ में रखो ऐसे कन्या का। अब हाथ हटा लो अपने कोदात बोलो कोदात कामोदात कस्मादात कामोदात कामोदात आए इन्होंने आज आपसे एक शब्द कहा है बोले लो उनसे इस कन्या को बड़े लाड़ से पाला है हमने इसको आज सभा के बीच में तुम्हें सौंप रहे हैं। सचिन भाई आप कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे इस कामना के साथ। तो आप कह रहे हैं कि कोदात कामोदात कस्मादात कामोदाता है कौन देने वाला कौन लेने वाला विधि का विधान है जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। छोड़ दे बटन के हाथ में ये पैसे रखने पैसे अच्छा हाँ जी ये कैसे भी रखना एक साल तक खर्च ना हो ये हमारा आपको सुझाव तो पहले दे देनी है इसके बाद ये किसको देने बाद में तुम्हारे ही है आपको बाद में तुम्हारे ही किसी को नहीं देने। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों
कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मुझको यकीन, इन बाहों में तेरी कल भी थी आज भी ये आशिकी, कल भी थी आज भी ये आशिकी। वादा करो ना कुछ दिल ये
आज भी हे आशिकी, कल भी थी आज भी हे आशिकी। फंक्शन में होती रहती है, लेकिन आप जब तक मुझे सात वचन नहीं दोगे तब तक मैं आपके बाम अंग नहीं आऊंगी, और जब तक बाम अंग नहीं आती जब तक स्त्री की संज्ञा नहीं होती। तो आपने कहा कि मांग लीजिए, देर हो रही है, जल्दी फिर तारों की छाऊं में विदा होना है। तो क्या मांग रही है? यज्ञम यदि कुर्यात मम सम्मति गृह्यात। आज के बाद कोई हवन यज्ञ पूजन करोगे आप, तो आप मेरे को साथ लेकर के करो। दानम यज्ञ, तीन अवस्था होती है, बाल, युवा, बुढ़ापा। बालापन मेरा समाप्त हो गया, युवा, बुढ़ापा, दो अवस्थाओं में आप मेरा पालन करेंगे। षट ऋतु मम पालनम कुर्यात। हमारे भारतवर्ष के अंदर छह ऋतु होती है, किसी देश में नहीं होती। सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत, शिशिर। जैसे जैसे ऋतु बदलेगी उसी हिसाब से मुझे भोजन वस्त्र का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। प्रणव जी ध्यान से सुन लेना, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। धनादि गोपनीय, धनादि गोपनीय, गोपनीय कहते हैं छुपाने को। पहले धन को गाड़ते थे, आटा पीसने वाली चाकी होती थी उसके नीचे गाड़ देते थे जिसे चोर नहीं ले जाए। अब बैंकों में गाड़ते हैं। आपने कितना धन गाड़ रखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद आपकी कमाई क्या है उसका मुझे पता होना चाहिए। बेटा पीछे बजा लेना ताली। आपकी आपकी कमाई क्या है, मान लीजिए ये इस बात को समझो, मान लीजिए आपकी कमाई 20,000 रुपए है और घर का खर्च 25 में चल रहा है, तो 5,000 कहाँ से आएंगे? इसलिए पूछना है, वो इसलिए नहीं पूछ रही कि मेरे खाते में डालो, इसलिए पूछ रही है। जॉइंट अकाउंट तो होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि और लक्ष्मी लक्ष्मी है, ये औरत लक्ष्मी है, ये आप 5,000 बताओगे महीने में तो 5,000 में घर का खर्चा चला के बता देगी और आप नहीं चला सकते, ठीक है ना। पशु आदि, पशु आदि क्रय विक्रय, अरे पशु आदि क्रय विक्रय मम सम्मति गृह्यात्। पहले पशु खरीदते थे, गाय भैंस दूध पीने के लिए, अब गाड़ी खरीदते हैं। क्रय विक्रय, अगर खरीदनी है या बेचनी है तो मेरी सम्मति लेकर होगे तो आपको कोई नुकसान नहीं जाएगा। ट्रेन खरीदे चाहे एरोप्लेन, लेकिन पूछना साक्षी से पड़ेगा, पूछोगे ना। सातवां, आज तो सब कुछ पूछोगे यार तुम। सातवां यही कठिन है, सकी समाग्यम हास्यम कटु वाक्यम बदेत न कुर्यात। गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला है, अगर इससे कोई गलती हो गई है और ये चार सहेलियों में बैठी हुई है तो वहां पर आप इसका अपमान नहीं करेंगे, वहां पर कोई नहीं बोलोगे, ठीक है ना। अकेले में घर ला के समझाइए
कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सखी समागम सुन रहे हो ना, सखी समागम। अगर मैं चार सहेलियों में बैठी हुई हूँ तो वहां मेरी इज्जत बराबर की है। आपको सातों बातें मंजूर हैं? अग्नि की तरह बात करो, बोलो तथास्तु। मैं अग्नि को साक्षी मानकर अपने वचनों का पालन करूंगा। तथैव ग्रहाण वरोत्तम शुचि सातम सप्त वचनम भरेत। बोलो जा। अब सात वचन आपने अपने भर दिए साक्षी के लिए कि जो जो इन्होंने कहा वो आपने मान लिए। अब हमारे बर महोदय कहते हैं कि भाई कुछ हमें भी दे दीजिए, तो बर महोदय चार वचन मांगते हैं। वो कहती है मैं आधा दे सकती हूँ, आधे यानी सात के आधे कितने होते हैं, साढ़े तीन। तो साढ़े तीन कैसे होंगे, साढ़े तीन कैसे होंगे कि साढ़े तीन ऐसे होंगे, मैं बता दूंगी आपको। आप मांगो पहले चार वचन, कहीं भी उद्यान में या निर्जन वन में बिना मेरे बिना पूछे कभी अकेली इस प्रकार से निर्जन वन में नहीं जाओगे। झगड़ा करना पड़ेगा मुझे, वो कुछ भी कह जाए और मुझे झगड़ना पड़ेगा, आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। तो मध्य पाने ऐसे साक्षी नहीं निकलूंगी ना, वो तो निकलती नहीं। अभी हमें नहीं पता कई दिन से हम देखी नहीं। पिता ग्रह गवने च, पिता के घर मेरी अनुमति के बिन नहीं जाओगी। उसी समय साक्षी ने कहा कि नहीं, यहाँ मेरा आधा वचन कर दीजिए, इसमें ये पूरा हो जाएगा आपका। तो बोला कैसे आधा करें, कि दो बार मैं बिना अनुमति के भी जाऊंगी आपके। और वो दो बार कौन कौन सी है, पिता के घर नहीं, भाई के लिए जाऊंगा, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज। दो बार मैं तुम्हारी बार ही किस दिल ने दिल लगी, धड़कन भी तुमसे जुड़ी। उस पल से इस घड़ी तुम सा ना कोई कहीं, हम दम हम नशी तुम्ही। तुम साथ तो मिली जन्नत मुझको यकीन, इन बाहों में तेरी कल भी थी आज भी ये आशिकी, कल भी थी आज भी ये आशिकी। रामायण खत्म हो गई, अम्मा पूछ रही है राम कौन सा। आपकी मर्जी जैसा आपको अच्छा लगे। पके की हल्दी हमारी शादी हो गई, अब विदा की हल्दी। तुम धन दे रहे।
सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास, हो आज की रात रुक जाना मेरे पास, गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी पलने के तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखी मेरी excited, I'm feeling nervous, I'm feeling tensed, I'm feeling stressed, I am feeling everything right now. But what I hope for the future is that we keep having the same vibes that we are having right now.